नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 247 पे। और आज हम डिस्कस करेंगे 12th फरवरी टेक्निकल टीम प्लीज आरपीपीडी 12th फरवरी की न्यूज और गाइस कैसा सेशन रहेगा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। बट प्लीज गुड मॉर्निंग मेरे भाई, एक बार शेयर कर दो फटाफट से वीडियो के लिंक को शेयर कर दो, ठीक है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री, फाइनली आ गया मेरे भाई, फाइनली आ गया। देरी के लिए माफी चाहूंगा दोस्त, देरी के लिए माफी चाहूंगा, कल से ऑन टाइम हम रहेंगे, ठीक है। सेशन स्टार्ट करते हैं यार। एक भाई टेक्निकल टीम पीपीटी विजिबल है, टेक्निकल टीम मेरे भाई जुनैद भाई, पीपीटी विजिबल है बच्चों को? ठीक है, अब क्लियर है भाई। चलो एक अगर दिन की शुरुआत करें और एक मोटिवेशनल कोट मिल जाए या कुछ ऐसे शब्द मिल जाए जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एहसास कराते हैं तो बहुत शानदार बात रहती है। यहां पर लिखा है हार्ड डेज आर व्हाट मेक यू स्ट्रॉन्गर। दोस्त मैं अगर अपनी बात करूं या मैं ऐसी शख्सियत की बात करूं को जो कि अपना वक्त मेरे भाई काम को बहुत ज़्यादा देते हैं, तो कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है, ऐसी परिस्थिति आती है और ऐसी ऐसी कंडीशंस आती है ना, आपको लगने लेता है यार छोड़ो यार दुनियादारी, अब सुकून की ज़िंदगी जीना पसंद करो और हर चीज़ साइड में रख दो, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में भाई बेकार, अपनी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं है, ऐसा लगने लगता है कभी भी यार। ये हम लोग ना ह्यूमन है, हम लोग कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे ना हमें हमेशा यही एहसास होता रहेगा, अरे यार मेरी ही जिंदगी खराब है, मुझे ही सबसे ज्यादा परेशानियां हैं। दोस्त हर किसी की जिंदगी में परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों को एक्सेप्ट करिए, सॉल्यूशन ढूंढिए कैसे उनसे बाहर निकल सकते हैं रादर देन कि आप उनसे उनको लेकर रोने से। तो समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त, बस इतना मैं कहूंगा, चीजों को लेकर रोइए नहीं, कैसे आप वर्स्ट कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं, बुरी से बुरी कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं, इसका हमेशा सॉल्यूशन ढूंढा करिए। और शांत दिमाग से, लोगों से पूछने से कुछ नहीं होगा, लोगों से बात करने से, शायद वो आपको 5 लोगों से आप डिस्कशन करेंगे तो 4 लोग आपको नेगेटिव करेंगे और एक ही होगा जो पॉजिटिव करेगा। कोशिश करिए या तो उस पॉजिटिव को ढूंढने की जो कि मुश्किल में रहेगा, नहीं तो मेरे दोस्त खुद आईने में बैठिए, आईने के सामने बैठिए, खुद से बातें करिए और पूछिए कि भाई कैसे मैं ये जो कठिन परिस्थितियां इनसे बाहर निकल सकता हूं। याद रखना हार्ड डेज आर व्हाट मेक यू स्ट्रॉन्गर, और वही दिन होंगे जो आपको स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। अब बढ़ते हैं दोस्त आज के इंपॉर्टेंट, जितने भी अभी तक हम लोगों ने फेब मंथ के इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। साउंड 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 साउंड, पीछे से साउंड आ रहा है कोई यार, हाँ। यार एक बार साउंड चेक करो, एक मिनट यार मैं अपने सिस्टम में चेक कर रहा हूं। भाई लो साउंड ओके, नाउ इट्स नो साउंड नो पिक्चर, ओके फाइनली पिक्चर है, साउंड है, भाई क्लियर आई थिंक साउंड सारा। आगे चले दोस्त, छोटी छोटी चीजें कभी कभी मिसमैच हो जाती हैं, तो यार अगर साउंड थोड़ा सा भी तो प्लीज यार कॉपरेट करिएगा, ठीक है, कॉपरेट करना, ठीक है। फरवरी मंथ की बात करते हैं, फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो रेजिंग डे मनाया जाता है 1 फरवरी को मनाया जाता है, और वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को रहता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ये 6 फरवरी को ऑब्जर्व होता है, और वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को। इसके अलावा और भी डेज हैं जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हमको इतने याद रखने हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे TTS, ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे हम लोग यहां पर 12 बजे एक सेशन रखेंगे, जैसे कि सैटरडे को मैं वीकली MCQ की क्लास लेकर आता हूं, अब ट्यूसडे और थर्सडे में मैं आपके लिए 12 बजे क्लास लेकर आया करूंगा। दोस्त आज की तो बात कर, आज वेंसडे है, कल हम लोग थर्सडे को मुलाकात करेंगे, और आई थिंक आज वेंसडे ही है, एक बार देख ले रहा हूं, नहीं तो तुम लोग फिर, हाँ आज वेंसडे है मेरे भाई कंफर्म, हम लोग कल थर्सडे को मुलाकात करेंगे 12 बजे, 7 बजे तो मिलेंगे, 12 बजे भी मुलाकात करेंगे, कुछ स्पेशल ही रहेगा कल आपके लिए। इसके अलावा दोस्त एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी ये सेशन कंप्लीट होगा वैसे ही 10:07 पे आप लोग मेरे साथ मिलेगा, क्वेश्चन बैंक जनवरी का मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन बैंक जनवरी का मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बट दोस्त वहां पर भी जुड़ना है। अब बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, 5th
फिफ्थ एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2020 बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम विल बी कंडक्टेड एट सेलिसबरी प्लेन्स यूनाइटेड किंगडम. व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज? भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 2020 का पांचवा संस्करण यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी मैदान में आयोजित किया जाएगा. इस अभ्यास का दोस्त पांचों ऑप्शन विजिबल कराओ. जुनैद भाई पांचों ऑप्शन विजिबल कराओ. पांच ऑप्शन है अर्जुन. शुभम पांच ऑप्शन. चलिए आंसर की बात करते हैं. अजय वॉरियर दोस्त बड़े ध्यान से सुनेगा. इंडिया प्लस यूके इन दोनों के बीच में एक एक्सरसाइज, इसका नाम है अजय वॉरियर. क्या नाम है? अजय वॉरियर. और ये अजय जो वॉरियर ये एक्सरसाइज होने वाली है और ये कहां पर होगी? यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी प्लेन्स में रहेगी. एक चीज और याद रखना, ये जो अजय वॉरियर कौनकन और इंद्रधनुष हैं, ये तीनों एक्सरसाइज इंडिया की यूके के साथ हैं. एग्जाम में एक भी सवाल पूछ लिया कि भाई कौनकन किस देश के साथ है भारत की, तो यूके के साथ. इंद्रधनुष भी यूके के साथ और अजय वॉरियर भी यूके के साथ है. सहयोग काइजन अभी इंडिया के जापान के साथ हुई है. जापान के साथ और दो एक्सरसाइज और है. इसमें एक और है मेरे भाई सिन्यू मैत्री और धर्म गार्जियन. सिन्यू मैत्री और धर्म गार्जियन. नसीम अल बहर ये इंडिया की ओमान के साथ है. ओमान के साथ एक और एक्सरसाइज है, एक ईस्टर्न ब्रिज है और एक अल नागा है. एक ईस्टर्न ब्रिज और एक अल नागा. मुझे लगता है मेरे दोस्त ये वाली चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए सारी. एक एक नंबर में एग्जाम में पूछ ली जाती हैं. एक्सरसाइज की लिस्ट मैं आपको पूरी प्रोवाइड कर दूंगा, बट एक चीज याद रखना, एक्सरसाइज एग्जाम में पूछी जाती है. ठीक है, ओमान के साथ कौन कौन सी रही? अल नागा रही, ईस्टर्न ब्रिज रही, नसीम अल बहर रही, यूके के साथ अजय वॉरियर, कौनकन और इंद्रधनुष, और सहयोग काइजन इंडिया की जापान के साथ रही थी. जापान के साथ और दो एक्सरसाइज और है, एक आपकी सिन्यू मैत्री और एक धर्म गार्जियन है. ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, किस दिन को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया? विच डे वॉज ऑब्जर्व एज द नेशनल डिवॉर्मिंग डे? कौन सा दिन नेशनल डिवॉर्मिंग डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया? तो दोस्त आंसर बनता है 10 फरवरी को हम लोगों ने नेशनल डिवॉर्मिंग डे बनाया था. ओके सर, 1 फरवरी को हम लोगों ने इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे मनाया था. 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया था, विश्व आर्द्र भूमि दिवस रहा था. 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे रहा था, जिसकी थीम रही थी आई एम एंड आई विल. 6 फरवरी को हम लोगों ने एक डे बनाया था जो कि इंपॉर्टेंट बनता है यार, फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन के खिलाफ, और इसकी थीम रही थी अनलीजिंग द यूथ पावर. ठीक है, अनलीजिंग यूथ पावर, इस बात को याद रखना. नेक्स्ट, किस दिन को हर साल विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस? गाइस आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2. 11 फरवरी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व करते हैं. नेक्स्ट यार, अच्छा 1 जनवरी की बात कर लेते हैं दोस्त. एक इंपॉर्टेंट चीज, ये पूरी की पूरी लिस्ट में आप लोगों को रिवाइज कराना स्टार्ट करूंगा कि डेज कब कब कैसे कैसे रहते हैं अलग अलग, जो 12 बजे का सेशन मैंने डिजाइन किया उसमें. बट इंपॉर्टेंट यहां पर ये भी बनता है कि सर जैसे जो आप डेज पढ़ा रहे हैं उनकी थीम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं फिर कहूंगा जनवरी 2020 अब हम लोग टारगेट कर रहे हैं. ठीक है, मतलब कि 2020 को पूरा टारगेट करके चलेंगे. 2020 में जितने भी डेज हैं उनको यहां पर टारगेट करेंगे. जैसे कि 1 जनवरी को बात करते हैं, तो 1 जनवरी को कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिएगा दोस्त, 1 जनवरी को. ठीक है, 4 जनवरी को कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है? 9 जनवरी को तो चलिए क्लियर है, एनआरआई डे आता है, और प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व करते हैं. 10 जनवरी को आता है हम लोगों का वर्ल्ड हिंदी डे. और जो हिंदी दिवस भारत में हम लोग मनाते हैं, हिंदी दिवस जो भारत में हम लोग मनाते हैं, वो मेरे भाई आपको ऑब्जर्व किया जाता है 14 सितंबर को. ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्त. 1 जनवरी को आता है हमारा वर्ल्ड ब्रेल डे और ग्लोबल फैमिली डे. नहीं, वर्ल्ड ब्रेल डे. चार जनवरी को आता है वर्ल्ड ब्रेल डे. असल में कभी कभी एक या दो चीज़ों की वजह से मूड अपसेट होता है, बट फिर भी मतलब समटाइम जैसे कि भाई कुछ नहीं चल रहा, मेरा सिस्टम ही कभी कभी ऑन नहीं होता,
फिर उस टाइम हम लोगों को कूल भी रहना पड़ता, आप लोगों को तो ऐसा हम दोनों बट दिमाग में चीज़ चलती रहती है यार अभी कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि आप लोगों को तो सिर्फ एक ही चीज़ देखेगी यार यार आशीष सर ने स्टार्ट नहीं किया, आशीष सर का साउंड नहीं आ रहा, आशीष सर का नहीं आ रहा, पर दोस्त सम टाइम ऐसा होता है कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती, तो प्लीज़ कोऑपरेट किया करिए, हम लोग आप ही के लिए यहाँ पर हैं, और तुरंत गरियाना स्टार्ट मत कर दिया करिए, 10 मिनट शायद 15 मिनट में कुछ ज़ाया नहीं होगा, अगर आपको लग रहा है कि 10 मिनट लेट हो रहा है तो प्लीज़ उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लीजिए ना, उस टाइम को यूटिलाइज करिए ना, उस टाइम को यूटिलाइज इस तरीके से करिए जो पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज कर लीजिए, रादर देन सेइंग कि सर हमारा वक्त बहुत कीमती है, आपको वक्त की कीमत नहीं है, ये सारी चीज़ें, उस वक्त को इस्तेमाल करना सीखे ना, इतने सारे मोटिवेशनल चीज़ें हम लोग बताते रहते हैं तो फिर कहाँ चला जाता है तब ये एहसास कि हम लोग क्यों नहीं उस वक्त को यूज़ करते, तो ऐसे इस तरीके से यूज़ करते रह करें, ठीक है। वर्ल्ड ब्रेल डे आता है आपको 4 जनवरी को, ग्लोबल फैमिली डे और डी आर डी ओ डे मेरे भाई आपका 1 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, क्लियर दोस्त। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यार इंपॉर्टेंट, प्रकाश जावड़ेकर ने, नहीं मैं किसी ब्रांड का एम्बेसडर नहीं हूं मेरे भाई, प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पर एक बायोपिक का पहला लुक जारी किया, कौन फिल्म में डॉक्टर कलाम की भूमिका निभा रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर रिलीज दी फर्स्ट लुक ऑफ बायोपिक ऑन फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम इन न्यू दिल्ली, हु इज प्लेइंग डॉक्टर कलाम्स रोल इन द मूवी, का आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद अली, ये रोल प्ले कर रहे हैं, सलमान खान सर ये पेप्सिको के चेयरमैन बने हैं, इसके अलावा यार इनको भारत पे ने चेयरमैन नहीं मतलब ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, और मेरे भाई इसके अलावा भारत पे ने भी अपना इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, सुनील शेट्टी को नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, मास्टर कार्ड ने एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, निर्मल चंद्र दंद्रियाल, अच्छा एक आपको मूवी का नाम बताता हूं मैं, इसका नाम है मोती बाग, ये फार्मर के ऊपर जो उत्तराखंड के एक फार्मर है उनके ऊपर बनाई गई एक मूवी है, और इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, ऑस्कर के लिए मेरे भाई नॉमिनेट किया गया था, और जो इसके डायरेक्टर नहीं थे उनका नाम है निर्मल चंद्र दंद्रियाल। नेक्स्ट मेरे भाई, किस देश ने दक्षिण अफ्रीका में भारत को हराकर अंडर 19 आईसीसी विश्व कप जीता है, हु हैज वॉन द अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, का आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी हाल ही में क्या किया है कि जो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप रहा था उसको जीत लिया है, और इसमें हराया किसको था उन्होंने, इन्होंने हराया था भारत को, इन्होंने भारत को हराकर ये जीता था। अच्छा जरा ध्यान रखना, अब आईसीसी रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आईसीसी ने 2020 का जो T20 वर्ल्ड कप का वेन्यू रखा है वो रखा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 2020 का ये तो T20 वर्ल्ड कप है। आईसीसी अंडर 19 जो वर्ल्ड कप रहा था ये रहा था आपका साउथ अफ्रीका में, कहां पर, साउथ अफ्रीका में। 2021 का आईसीसी 50-50 ओवर का जो भाई वुमेन्स वर्ल्ड कप रहेगा ये आपका रहेगा न्यूजीलैंड में। 2023 का जो 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप रहेगा, मेंस वर्ल्ड कप रहेगा, ये आपका रहेगा प्यारे भारत में, कहां पर, प्यारे भारत में, क्लियर है दोस्त, अपने प्यारे भारत में इसको आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, इसके अलावा जरा ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में जैसे नेपाल और जिम्बाब्वे को मैंने रखा है, आईसीसी ने अभी बतौर मेंबर 2 देशों को शामिल किया, एक नेपाल और दूसरा जिम्बाब्वे है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दोस्त दुबई में है, कहां पर, दुबई में, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। आई थिंक गाइस यहां तक सारी चीजें क्लियर होती चल रही होंगी आपके, ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आर्म डुप्लांटिस ने, एक बार मेरे को हटाइएगा, आर्म डुप्लांटिस ने 20 फीट 2.9 इंच की छलांग के साथ दोस्त पोल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है या तोड़ दिया है, पोल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है वह किस देश से है। आर्म डुप्लीटेंट ब्रेक दी पोल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड विद अ जंप ऑफ 20 फीट 2.9 इंचेस, ही इज फ्रॉम विच कंट्री। आर्म डुप्लीटेंट ने अभी क्या किया है, पोल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी ब्रेक किया है मेरे भाई, और टोटली इन्होंने जंप ली थी वो 20 फीट 2.9 इंचेस की रही थी। सवाल ये है ये किस देश से हैं, जवाब बनता है ही इज फ्रॉम स्वीडन, यह है मेरे दोस्त स्वीडन से है, ये कहाँ से हैं, ये स्वीडन से हैं। एक बार जरा ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ऑप्शन से ये क्लियर हो जाएगा कि सर ये जितने भी आपने ऑप्शन रखे हैं उसमें किसी न किसी ने टॉप किया है। जैसे कि अगर स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, जो भी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रही थी
2019 उसमें मेरे भाई इसके द्वारा टॉप किया गया था और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया की रैंकिंग रही थी 59th इंडिया की रैंकिंग रही थी। अच्छा डेनमार्क की बात करते तो आपने एक इंडेक्स सुना होगा अभी जो रिसेंटली रिलीज किया गया सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 और इसमें इंडिया 76th प्लेस पे था और इसे टॉप किया था डेनमार्क ने। आइसलैंड की बात करते तो दोस्त आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्लोबल किड्स राइट इंडेक्स, इसमें इंडिया 117वें स्थान पर आइसलैंड ने टॉप किया था। नॉर्वे की बात करें तो मेरे भाई यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें इंडिया 129वें स्थान पर था, 129वें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया 129वें स्थान पर था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको रिलीज किया था और इसमें नॉर्वे टॉप पर रहा था। ये इंडेक्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक एग्जाम में पूछ लिया था, इस पर फोकस करेगा। कौन दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकानकागुआ को फतेह करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है? हु हैज बिकम द यंगेस्ट गर्ल इन अ वर्ल्ड टू समिट माउंट एकानकागुआ द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका एंड आउटसाइड ऑफ एशिया। गाइस आंसर बनता है काम्या कार्तिकेन, नाम याद रखिए काम्या कार्तिकेन, इसके अलावा आपको और कुछ याद नहीं रखना। अच्छा देखो नासिरा शर्मा की बात करते तो मैंने फिर दोबारा बताऊंगा व्यास सम्मान 2019 की बात करते हैं, ये नासिरा शर्मा को दिया गया कागज की नाव के लिए। वहीदा रहमान को नेशनल किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है। सोफिया कैनन, आप लोगों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन एक साल में मेरे भाई 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और उन ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले तो होता है ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बलडन और यूएस, इस तरीके से होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो वुमेन सिंगल का टाइटल रहा है वो सोफिया कैनन के नाम रहा है एंड सोफिया कैनन इज फ्रॉम विच कंट्री गाइस, ये यूएसए से है। सोफिया कैनन कहां से? यूएसए से है, ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट यार वासुदेव मोही, कोई मुझे बताएगा वासुदेव मोही का नाम? वासुदेव मोही, ओके बहुत बढ़िया भाई, वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया 2019 का, जो सरस्वती सम्मान है वासुदेव मोही को दिया गया चेक बुक के लिए, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज, ये इनकी शॉर्ट स्टोरी सीरीज है, इसके लिए इनको सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। टेक्निकली मैं एक बार कमेंट ऑन कर दो, कमेंट नहीं आ रहे। नेक्स्ट यार पी परमेश्वरन का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? पी परमेश्वरन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द राइटर, वह एक फेमस राइटर भी थे। गिरिराज किशोर का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? गिरिराज किशोर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज अ नोवेलिस्ट, वह एक उपन्यासकार थे। गिरिराज किशोर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज अ नोवेलिस्ट, वह एक फेमस नोवेलिस्ट थे। वह क्या थे मेरे दोस्त? एक फेमस नोवेलिस्ट थे। नेक्स्ट किस शहर में ई गवर्नेंस 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ है? इन विच सिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2020 कंक्लूडेड? गाइस आंसर बनता है मुंबई महाराष्ट्र के मुंबई में अभी हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है ई गवर्नेंस पे। महाराष्ट्र रिलेटेड एक फैक्ट और याद रखिएगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसके गवर्नर का नाम, इनके गवर्नर का नाम है यहाँ पर, अच्छा गवर्नर का नाम कोई बता पाएगा मेरे को? मुख्यमंत्री का नाम तो याद रखना है दोस्त, ठाकरे साहब मुख्यमंत्री है। काला घोड़ा जो फेस्टिवल रहा था, ठीक है, आर्ट फेस्टिवल रहा था, वो मुंबई में ही सेलिब्रेट किया गया था, मुंबई में भी। और यूनेस्को ने भी क्या किया है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की एक लिस्ट रिलीज की है जिसको हम बोलते हैं UCCN, उसमें दो शहरों को शामिल किया गया था, एक था मुंबई और दूसरा था हैदराबाद। जो मुंबई था इसको फिल्म के क्षेत्र में किया गया था और जो हैदराबाद रहा था इसको गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, पाक कला के क्षेत्र में शामिल किया गया था। लखनऊ में अभी डेफ एक्सपो आपका लखनऊ में रहा था। अहमदाबाद ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखनी है, अहमदाबाद में 31st काइट फेस्टिवल रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा यहीं पर ही है, ये भी आप याद रखना दोस्त। नेक्स्ट डोंग थाई एनगोक थिन भारत के राजकीय दौरे पर है, वो किस देश की उपराष्ट्रपति हैं? तो वह वियतनाम की उपराष्ट्रपति, कहाँ की? वियतनाम की उपराष्ट्रपति है, वियतनाम की कैपिटल है सर हनोई और करेंसी यहाँ पर डोंग चलती है। एक चीज याद रखना, 35th जो आसियान समिट रहा था वो आपका आसियान समिट मेरे भाई 35th आसियान समिट रहा था, इट वाज हेल्ड इन थाईलैंड के बैंकॉक में रहा। जो 36th आसियान समिट रहेगा ये वियतनाम में रहेगा। 11th ब्रिक्स समिट ये ब्राजील में रहा था। जो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट है वो आपका रशिया होस्ट करेगा। ब्रिटेन की बात करें, यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया, अब यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य बचे हैं? 27 देश यहाँ पर सदस्य बचे हैं। इटली की कैपिटल रोम है, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है क्यू डोंग यू, हाल ही में बने और ये चाइना के हैं। कहाँ के दोस्त? ये चाइना के हैं, ठीक है दोस्त।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किस शहर में BBIN MBA पर बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल की बैठक आयोजित की गई? इन विच सिटी अ मीटिंग ऑफ बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल ऑन BBIN MBA मोटर व्हीकल एक्ट वॉज हेल्ड, मतलब बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एक्ट पर जो मीटिंग रही थी, कहां पर रही थी? दोस्त आंसर बनता है ये रही थी आपकी नई दिल्ली में। कहां पर रही थी? न्यू दिल्ली में ये मीटिंग रही थी। कहां पर दोस्त? न्यू दिल्ली में ये मीटिंग रही थी। इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। अच्छा, आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट बनती है। यूनेस्को ने अभी हेरिटेज साइट में जयपुर को शामिल किया था 2019 में और ये इसका सर्टिफिकेट भी दे दिया, बट अभी एग्जाम में पूछा गया था कि 2017 में इन्होंने किसको शामिल किया था, वो अहमदाबाद रहा था जिसको 2017 में शामिल किया गया था। भुवनेश्वर की बात करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा उड़ीसा स्टेट का नाम, उसी ही की कैपिटल है भुवनेश्वर। और जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं दोस्त, वो आपके यहीं पर होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर होंगे? यहीं भुवनेश्वर में रहेंगे, भुवनेश्वर में रहेंगे। नेक्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा एमएसएमई के लिए बंगश्री नामक एक प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित की गई है? सवाल सिर्फ इतना बनेगा कि बंगश्री एक योजना है, ये किस राज्य सरकार की है? तो दोस्त आंसर बनता है ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की है, ये बंगश्री योजना वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट, चाय बागानों में आवास की समस्याओं को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने बागों के स्थायी निवासियों के लिए चाय चुंदरी के रूप में नामित एक नई योजना का प्रस्ताव दिया है? मैं फिर कहता हूं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च कर रही है तो उसके फैक्ट्स, जितने फिगर्स मेरे दोस्त, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती है तो उसके सिर्फ हम लोगों को नेम याद रखने हैं कि फलाना फलाना स्कीम है किस राज्य सरकार की है। तो दोस्त यहां पर याद रखना है ये आपकी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, चा सुंदरी और एक बंगश्री। तो दो याद रखना है, एक बंगश्री और एक चा सुंदरी। आई थिंक गाइस क्लियर होगा, यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। भाई सेशन पसंद आ रहा तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, करोगे नहीं मुझे पता, बट फिर भी अगर पसंद आ रहा तो कर देना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किस राज्य सरकार ने राज्य भर में हुक्का बार पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्पोज अ परमानेंट बैन ऑन हुक्का बार्स अक्रॉस द स्टेट? तो गाइस आंसर बनता है यहां पर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भूपेश बघेल है और यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। और दिल्ली में फिर दोबारा से मेरे भाई आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और एक बात क्लियर कर दी है कि विकास के नाम पर ही चाहते हैं या कुछ भी करें देश में, तो आपको विकास करना पड़ेगा और डेवलपमेंट ही मुद्दा रहेगा जिसके ऊपर आप लोग कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि किसी को वोट देंगे। तो थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट ही मुद्दा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ही मुद्दा होना चाहिए, देश की इकोनॉमी ही मुद्दा होना चाहिए। समटाइम अदर इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पर दोस्त ये भी मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कंडीशन देखें तो पॉलिटिकल है, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि हर भाई लोकतांत्रिक देश है, हर किसी के विचार अलग है, बट फिर भी आम आदमी पार्टी का जीतना बहुत अच्छा एक संदेश भी देता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, किस टीम ने भारतीय खेल प्राधिकरण को हराकर कोल्लम में 10वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? विच टीम हैज वॉन द 10th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2020 टाइटल एट कोल्लम बाय डिफीटिंग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ध्यान से सुनिएगा, जीता कौन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हराकर? तो आंसर बनता है यहां पर सर, इट इज वन बाय हरियाणा के द्वारा जीता गया ये इवेंट। याद रखना 10th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2020 और ये कहां पर रही थी? कोल्लम में रही थी। इसको जीता है हरियाणा ने, हराया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट, किस टीम को हराकर लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर रेड ने पहले पुरुष वर्ग खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020 जीता है? किस टीम को हराकर लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर रेड, ये टीम का नाम है, इन्होंने फर्स्ट मैन सेक्शंस खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020 जीता है। इन्होंने पहला पुरुष वर्ग खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020 जीता है। तो दोस्त आंसर बनता है इसका नाम है आईटीबीपी को हराकर। किसको हराकर? आईटीबीपी टीम को हराकर मेरे भाई ये इवेंट जीता गया है। अच्छा यार, अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश स्टेट आप लोग रीड करिएगा, अब आगे बढ़े तो यार आज की इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ चलते हैं। लालरेम स्यामी हैज बीन नेम्ड एज द 2019 FIH वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा
भाई मेरे दोस्त यहाँ पर दो स्पोर्ट्स पर्सन को चुना गया। अभी एक नाम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर, जो कि लिखा हुआ है लाल रेम स्यामी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा लाल रेम स्यामी को 2019 FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। FIH को हम बोलते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और इसका मुख्यालय है लॉजन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के लॉजन में इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड के लॉजन में इसका मुख्यालय है। और एक चीज और याद रखिएगा, इसके प्रेसिडेंट का नाम है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा इसके अध्यक्ष है, क्लियर होना चाहिए। नरेंद्र बत्रा इसके अध्यक्ष है, लॉजन स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किनको चुना गया 2019 का, तो आंसर बता लाल रेम स्यामी को। क्लियर है दोस्त, लाल रेम स्यामी को, ठीक है यहां तक। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पर सवाल कुछ इस तरीके से बन सकता है। अभी एक सवाल आया था, पीटर सिडिल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। पीटर सिडिल किस खेल से संबंधित है? पीटर सिडिल इज रिलेटेड टू क्रिकेट, और वो ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर थे जिनका रिटायरमेंट हुआ, जिन्होंने रिटायरमेंट लिया, और वो एक तेज गेंदबाज। अब एग्जाम में देखो इंडियन नहीं पूछ रहा, एग्जाम में आउटसाइडर भी जितने भी कह सकते हैं विदेशी खिलाड़ी उनके नाम भी पूछ रहा है। अभी और चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा, वहां से भी इसी को लिंक करूंगा। तो इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि लाल रेम स्यामी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, लाल रेम स्यामी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्त ये आपकी हॉकी से संबंधित है, क्लियर है दोस्त, हॉकी से संबंधित है। आगे बढ़े, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखें, नेक्स्ट विवेक सागर प्रसाद, कल के द हिंदू में रहा था, हैज बीन नेम्ड एज द 2019 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। यहां पर चुना गया वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, और यहां पर चुना गया किनको मेरे भाई, विवेक सागर प्रसाद को। विवेक सागर प्रसाद को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा वर्ष का 2019 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर या स्टार राइजिंग स्टार नामित किया गया। मैं फिर कहूंगा विवेक सागर किस खेल से संबंधित है, टेक्निकल टीम स्क्रीन को हटाइएगा मेरे को, और ये मेरे दोस्त हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये आपके हॉकी से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। तो दो नाम याद रखने, दोनों ही नाम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आदित्य मेहता हैज वॉन दी नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप इन पुणे बाय डिफीटिंग पंकज अडवाणी। आदित्य मेहता ने पंकज अडवाणी को हराकर पुणे में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। तो सिंपल सवाल ये बनेगा, नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप किनके द्वारा जीती गई है? तो दोस्त आंसर बनता है इट इज वॉन बाय दी आदित्य मेहता। इन्होंने हराया किनको था? तो इन्होंने हराया था यहाँ पर पंकज अडवाणी को। और ये इवेंट कहाँ पर रहा था? ये इवेंट पुणे में रहा था। ये इवेंट कहाँ पर रहा था? पुणे में रहा था। तो ये तीन चार चीजें याद रखना। नेक्स्ट दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला डे, वर्ल्ड यूनानी डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 11 फरवरी। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। यूनानी डे की बात करें तो ये क्यों मनाते हैं? यह दिन हर साल महान यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट यूनानी स्कॉलर एंड सोशल रिफॉर्मर हकीम अजमल खान। तो सिंपल शब्दों में याद रखिएगा, जो हकीम अजमल खान है उसकी जयंती को हम प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड यूनानी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और ये कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड यूनानी डे। 11 फरवरी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है दोस्त। अच्छा यार देखो, इंपॉर्टेंट देखो, जितने भी डेज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी लिस्ट तो मैं आपको देता ही चल रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, बट प्लीज खुद से भी अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा। ये डेज वाली लिस्ट है, एक ही जगह लिख लीजिए, जनवरी के सारे डेज, फरवरी के सारे डेज। अब जनवरी हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं, अब फरवरी की बारी है, फरवरी चल रहा है। तो फेब में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, अपार्ट फ्रॉम 3 फरवरी मेरा बर्थडे, वो नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा, वो डायरेक्ट यूपीएससी में पूछा जाएगा। बट दोस्तों याद रखना है, ये जितने भी डेज आएंगे वो एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, या तो किसी की थीम पूछ लेगा या तो डे पूछ लेगा। तो प्लीज 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 याद रखते चलिएगा, ठीक है, याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट दोस्त, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आपका फरीदाबाद में स्थित है, विल बी रीनेम्ड एज दी अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान होगा। तो सिंपल शब्दों में बात करते हैं तो यहां पर कहा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि फरीदाबाद में स्थित है, उसका नाम किस लीडर के नाम पर रखा जाएगा? तो वो है अरुण जेटली, और अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका नाम रहेगा। अभी पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण अवार्ड 7 लोगों को दिया गया, टेक्निकल टीम सामने लाएगा। अभी ये जो पद्म विभूषण अवार्ड है जो 7 लोगों को दिया गया है, मेरे को कोई बता सकता है कौन से 7 लोग है जिनको दिया गया? इसमें एक नाम अरुण जेटली है, ये क्लियर है। एक नाम सुषमा स्वराज है, ये क्लियर है मेरे भाई। जॉर्ज फर्नांडिस एक नाम क्लियर है यहाँ पर, इसके नाम यहाँ पर छुन्नूलाल मिश्र एक नाम याद क्लियर रखना, छुन्नूलाल मिश्र ये भी क्लियर है। MC मैरी कॉम मेरे भाई, ये क्लियर है। और
तीर्थ करके, विश्वनाथ तीर्थ करके भी एक नाम है यहाँ पर, ये क्लियर है। एक नाम और बनता है यार जिनको कि सम्मान से सम्मानित किया गया है, कोई बता पाएगा? अरुण जेटली हो गए, सुषमा स्वराज हो गए, जॉर्ज फर्नांडिस हो गया, ठीक है, एमसी मैरीकॉम हो गए, चुनूलाल मिश्र हो गए, तीर्थ साहब हो गए, और एक और यार, ओके एक नाम और बनाओ, चुनूलाल हो गए, बहुत बढ़िया, ओके 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 ओके, एक नाम यार, बहुत बढ़िया, आ तो रहा है यार, लेकिन वो सिर्फ सरनेम मेंशन कर रहे हो, अनिरुद्ध जुगनौत, बहुत बढ़िया, अनिरुद्ध जुगनौत। तो ये नाम याद रखने जिन सात लोगों को सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्लस इसके अलावा अभी पटना में, बिहार के पटना में क्या किया गया था कि अरुण जेटली जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था, ठीक है, और ये इन्होंने किया था बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके द्वारा किया गया। बिहार के गवर्नर का नाम है फागू चौहान, बिहार के गवर्नर फागू चौहान बिहार के गवर्नर है। नेक्स्ट दोस्त, हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉन्च रीडिंग मिशन। इसके बारे में पढ़ ही रहा था कि हरियाणा जो राज्य सरकार है उन्होंने क्या किया है कि जो बच्चे हैं उनके बीच में रीडिंग हैबिट को बढ़ाने के लिए रीडिंग मिशन हरियाणा को यहां पर लॉन्च किया गया है। तो कुछ सवाल सिर्फ इतना बनेगा कि इस राज्य सरकार के द्वारा अभी रीडिंग मिशन लॉन्च किया गया बच्चों के बीच में जो बुक्स की रीडिंग है उसको बढ़ाने के लिए, तो दोस्तों आंसर बनता है यहाँ पर ये हरियाणा गवर्नमेंट। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, हम लोग जितनी भी नॉलेज गेन कर रहे हैं सुनकर गेन करते हैं, किसी ने कुछ कहा न्यूज़पेपर रीड किए, न्यूज़ रीड करी, बट दोस्त कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल अलग हटके होती हैं वो या तो नॉवेल्स वगैरह रहे उनसे, या आप जो बुक्स आती है ना उन्हें रीड करके, अब आप बिलीव नहीं करेंगे, सातवीं क्लास की महाभारत की स्टोरी में बैठ के पढ़ रहा था क्योंकि मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा था, कुछ उसमें फैक्ट ऐसे इंटरेस्टिंग लग रहे थे कि आप देख विजुअली आप कुछ चीज़ें देखते हैं और कुछ चीज़ शायद मिस हो जाती हैं क्योंकि भाई उन्हीं जो इतनी कह सकते हैं बुक्स में स्टोरीज लिखी हैं उन्हीं को विजुलाइज किया जा रहा है ये वीडियो के फॉर्म में, मूवीज़ के फॉर्म में, सीरियल्स के फॉर्म में, ठीक है, बट अगर हम उन कंटेंट को पढ़ते तो वहाँ पर हमें बहुत एडिशनल फैक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो रीडिंग हैबिट ये तो चलिए हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है, मैं आपसे कहूँगा अगर आपको अपने वर्ड्स को बहुत वेटेज देनी है तो आप अच्छी अच्छी कह सकते हैं नोवेल पढ़ना स्टार्ट करिए, नहीं नोवेल पढ़ सकते तो अच्छे अच्छे लोगों के ऑटोबायोग्राफी पढ़ना स्टार्ट करिए, वो बहुत ही शानदार होती है, एपीजे अब्दुल कलाम की पढ़िए, सचिन तेंदुलकर की पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि इन लोगों की लाइफ कैसी रही है। थोड़ा हटकर बात करो, बहुत सारी ये कहेंगे अरे सर क्या इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, पर दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किताबी कीड़ा बनना एक अलग चीज़ है और एक ऐसा इंसान बनना जिसको कि बहुत 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 मेरे भाई नॉलेज है, और नॉलेज एक फील्ड की नहीं है, उसे कह सकते हैं कि हर फील्ड की नॉलेज है, मैंने कहा हर फील्ड का तो मैं मास्टर बनना जरूरी, बट हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा भी अगर नॉलेज रखते हैं ना तो आप जब किसी के सामने बात करते हैं तो बहुत इम्पैक्टफुल रहता है, बहुत कह सकते हैं कि आपके शब्द वेटेज रखते हैं और सामने वाला इम्प्रेस भी होता है, जिसको हम बेसिकली कहें तो रीडिंग स्किल भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत होती है, बट करोगे नहीं मुझे पता है तुम नालायक हो एक नंबर के, करोगे नहीं, धीरे धीरे जब समझ जाओगे ना बड़े हो जाओगे तब खुद ब खुद करना स्टार्ट करोगे। गोवा गवर्नमेंट विल सेटअप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बिल्कुल अलग हटके चल रहा है, गोवा सरकार क्या करेगी कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किसान उत्पादक संगठन की स्थापना करेगी। तो यार देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर निकल कर आई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FPO, फॉरेन पोर्टफोलियो, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने बहुत पढ़ा, बट यार यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं FPO का मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्या पता एब्रीवेशन एग्जामिनेशन में आ जाए और पूछ लिया जाए कि किस ऑर्गेनाइजेशन या किस राज्य सरकार के द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन करने की बात की गई है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को और बेहतर करने के लिए। तो दोस्तों याद रखना है यहां पर गोवा गवर्नमेंट के द्वारा, गोवा राज्य सरकार के द्वारा, क्लियर है सारी चीजें, क्लियर है दोस्त सारी चीजें यहां तक। अब देखिए ध्यान रखना, गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत यहां के मुख्यमंत्री हैं और यहां के जो गवर्नर उनका नाम है सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक, ठीक है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट भाई, इंफोसिस विल एक्वायर सिंप्लस, सिंप्लस इंफोसिस क्या एक्वायर कर रहा है, सिंप्लस को एक्वायर कर रहा है, एक आईटी सर्विस मैनेजमेंट कंपनी है 250 मिलियन में, इंफोसिस 250 मिलियन में एक आईटी सेवा प्रबंधन कंपनी सिंप्लस का अधिग्रहण करेगी। दो ही सवाल बनेंगे कि कौन अधिग्रहण कर रहा है, किसका अधिग्रहण कर रहा है और कितने में मेरे भाई अधिग्रहण कर रहा है। तो जो इंफोसिस है वो सिंप्लस का अधिग्रहण कितने में कर रही है यहां पर 250 मिलियन में, और सिंप्लस का अधिग्रहण कितने में हो रहा है 250 मिलियन में, किसके द्वारा इंफोसिस के द्वारा। दो सवाल कि इन्होंने सिंप्लस का अधिग्रहण किया इंफोसिस ने, कितने में किया 250 मिलियन यूएस डॉलर में, ठीक है दोस्त। अब ध्यान से सुनते नेक्स्ट, इटालियन ओपेरा स्टार मिरेला फ्रेनी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, शी वाज 84,
इटली के ओपेरा स्टार, इटली की ओपेरा स्टार मिरेला फ्रेनी का हाल ही में निधन हो गया है और वह 84 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 84 वर्ष की थी। अब इंपॉर्टेंट यह है, मिरेला फ्रेनी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, शी वाज व्हाट, शी वाज अ ओपेरा स्टार, ऑप्शन में मिलेगा। तो इसके अलावा नहीं मिलेगा तो ये बनेगा कि ओपेरा स्टार, भाई वेटरन ओपेरा स्टार मिरेला, मिरेला फ्रेनी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, शी वाज फ्रॉम विच कंट्री, शी वाज फ्रॉम इटली, वह इटली से थी, इसको याद रखना, ठीक है। और एक और चीज याद रखनी है मेरे भाई, इटली की कैपिटल रोम है, करेंसी यहां पर यूरो चलती है, और इटली के हेड का नाम क्या है, इटली के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा मेरा, मैं लिख रहा हूं, अगर सही हो तो यस सर लिख देना, जियोसॉपे कॉन्टे, जियोसॉपे कॉन्टे इटली के प्रेसिडेंट, अगर ऐसा है तो लिख देना एक बार यस सर, अदरवाइज जो भी है मेरे भाई आप लिख दीजिए, वो तो पता फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। अच्छा एक और चीज देखो कितनी इंपॉर्टेंट बनेगी, आप लोगों ने नाम सुनोगे समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक, ओलंपिक सुने समर ओलंपिक विंटर ओलंपिक, तो विंटर ओलंपिक 2022 वाला ये चाइना के बीजिंग में रहेगा और 2026 वाला जो रहेगा मेरे भाई ये इटली होस्ट करेगा, कौन करेगा, इटली से होस्ट करेगा, ये याद रखना, विंटर ओलंपिक की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट मेरे भाई, वकार हसन पाकिस्तान टेस्ट टीम के सदस्य रहे, वकार हसन का हाल ही में निधन हो गया और वह 87 वर्ष के थे। वकार हसन अ मेंबर ऑफ द पाकिस्तान टेस्ट टीम हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 87। सिंपल शब्दों में वकार हसन इज रिलेटेड टू या वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ही वाज रिलेटेड टू क्रिकेट, वह क्रिकेट से संबंधित थे, पॉइंट नंबर 1। वकार हसन जिनका भी हाल ही में निधन हुआ जो कि एक क्रिकेटर थे, वह किस देश से थे, तो दोस्त वो पाकिस्तान देश से थे, जिस देश से थे उसका नाम है पाकिस्तान, किस देश से थे, पाकिस्तान देश से थे। नेक्स्ट भाई, राजकोट हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू ऑब्टेन द ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट फॉर इट्स अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। राजकोट देश का पहला शहर बन गया है जिसने किफायती आवास योजना के लिए ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। सिंपल शब्दों में कौन सा शहर अभी भारत का पहला शहर बना है जिसने कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के लिए, इस स्कीम के लिए, अपनी इस स्कीम के लिए ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, तो उस शहर का नाम है राजकोट। क्या नाम है? राजकोट। इस शहर का नाम है राजकोट। नेक्स्ट दोस्त, अब यहां पर मैं नेम तो लेकर आया हूं बट ये अवार्ड के नेम से मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, बट जैसे पीटर शिडल पूछ लिया गया उस तरीके से सवाल बन सकता है कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स क्रेग मैकडरमॉट, भैया क्रेग मैकडरमॉट एंड शेरॉन ट्रेडरिया, ट्रेडरिया शेरॉन ट्रेडरिया को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पूर्व ऑस्ट्रेलिया, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की बात नहीं हो रही, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की बात हो रही है। पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटरों क्रेग मैकडरमॉट और शेरॉन ट्रेडरिया को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। पूछा जा सकता है कि क्रेग मैकडरमॉट वाज रिलेटेड टू विच कंट्री, वाज फ्रॉम विच कंट्री एंड वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो गाइज स्पोर्ट्स की बात होगी तो ये क्रिकेटर्स हैं और जिस देश की बात होगी वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात आ रही तो मेरे दिमाग में यार ग्रैंड स्लैम हमेशा आएगा, ग्रैंड स्लैम एक साल में 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बलडन और यूएस, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बलडन, यूएस। ऑस्ट्रेलियन हो चुका है जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और इसका जो वुमेन सिंगल का टाइटल जीता गया है, जो वुमेन सिंगल का टाइटल जीता गया है ये सोफिया कैनन ने जीता था और मेन सिंगल का टाइटल जीता था नोवाक जोकोविच ने जो कि सर्बिया के हैं और सोफिया कैनन जिन्होंने जीता वो यूएसए की है। आई थिंक गाइस क्लियर होगा, नाम क्लियर होगा, सारी चीजें क्लियर होगी, सिर्फ पढ़ लीजिएगा एक बार, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त, डेविड वार्नर हैज वॉन 3rd एलन बॉर्डर मेडल वाइल एलिसे पेरी क्लेम्ड हर 2nd बेलिंदा क्लार्क अवार्ड एट द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कारों में डेविड वार्नर ने अपना 3rd एलन बॉर्डर मेडल जबकि एलिसे पेरी ने अपना 2rd बेलिंदा क्लार्क पुरस्कार जीता है। यार अभी मेरे को वो मैगजीन का नाम स्किप कर रहा हूँ जिसको कि बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, उस मैगजीन ने अभी कुछ नामों को शामिल किया था जिसमें विराट कोहली भी हैं और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एलिसे पेरी भी हैं। उस मैगजीन का नाम कोई बता सकता है जिसको कि बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है? देखिए कहां से मैं ढूंढ कर आया हूं ये चीजें, यही तो यार हमें इंटरलिंक करनी है, इससे अगर हमने इंटरलिंक किया तो फिर हम शायद भूलेंगे नहीं। एलिसे पेरी, ओके यार दोस्त, ये आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम नहीं है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम था, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके आराम से ढूंढिएगा, आराम से ढूंढ लीजिएगा, ठीक है आराम से ढूंढिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्त हरियाणा स्टेट की तरफ, जाना कहीं नहीं है, हार्डली 2 मिनट के अंदर मैं फिर दोबारा से आपसे मुलाकात करूंगा। स्टेटहुड 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था हरियाणा का, कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर है
और गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रही और ये लार्जेस्ट सिटी इसकी है फरीदाबाद। टेक्निकल नेम मुझे हटाएगा एक बार। लोकसभा की सीट 10 है, राज्यसभा की सीट 5 है, कुल मिलाकर 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। जिन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और नई दिल्ली यूटी है जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। और इसके अलावा नेशनल पार्क्स की बात करें, सुल्तानपुर कालेश्वर ये फेमस नेशनल पार्क है, हरियाणा राज्य में है। भिंदबास, खपराबास, छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रही। इसके अलावा अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरस्वती नहर, वीर शिखरगढ़, खोल ही रेतन, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा राज्य में है। गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका हरियाणा में है। मार्कंडेश्वर टेम्पल आपका हरियाणा में। दमदमा लेक भी मेरे भाई आपके हरियाणा राज्य में है। तो दोस्त ये रहा आज का सेशन, आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट प्लीज़ जुड़े रहिएगा। हार्डली दो मिनट के अंदर मैं फिर दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा क्वेश्चन बैंक लेकर। ठीक है, एंड गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।